दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। उम्मीद समूह पड़ल सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय के करिया सूची में, एक बरस तक सार्वजनिक निकाय के खरीद में भाग लेवे के नाम मिली। 12 के मजदूर के स्थानीय तौर से राहत न दिला बाद खाए के समस्या, भूख आर रोग से बिचली होके के खतरा। विश्व बैंक द्वारा नेपाल के 1 अरब 27 करोड़ रुपया अनुदान, सहयोग सिखाई के स्तर सुधार और शिक्षा क्षेत्र में खर्चा होगी। कोरोना वायरस नियंत्रण खातिर इजराइल सरकार द्वारा फिर लॉकडाउन की घोषणा, सुख से जारी होके वाला लॉकडाउन 3 हफ्ता तक रही। आ इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में लेस्टर सिटी विजय, वेस्ट ब्रोमलाय 3-0 गोलंतर से हारल। पूरा समाचार। कोरोना वायरस नियंत्रण खातिर संबंधित स्वास्थ्य उपकरण आयात के जिम्मा लेके काम करे ना सकल ओमनी समूह के करिया सूची में राखल गेल बा। सार्वजनिक खरीद अनुगमन के कार्यालय आजू एक सूचना प्रकाशित करत दवाई खरीद में सहभागी ओमनी बिजनेस कॉर्पोरेट इंटरनेशनल OBCI के करिया सूची में रखला खा। राजनीतिक रूप में बचावे के खुजला पर भी संसदीय समिति से आम जनता ओमनी पर कार्यवाही करे खातिर चौतरफी दबाव दिला बाद खरीद कार्यालय कार्यवाही कैले बा। सार्वजनिक खरीद अनुगमन के कार्यालय के करिया सूची में पड़ल कंपनी एक बरस तक सार्वजनिक निकाय के खरीद में शामिल ना होके के मिले। स्वास्थ्य सेवा विभाग बीतल चैत 19 कते ओमनी से भेल उपकरण खरीद समझौता रद्द करत थप कार्यवाही करे के जनौले रहे। ओमनी के सामान किने खातिर बाजार भाव से 48 गुना तक महंग में जिम्मा दिला बाद सरकार के शिकायत भेल रहे। ओमनी से ही लियावल गेल 50,000 रैपिड टेस्ट किट भी काम ना लागे के अवस्था में रहे। काठमांडू उपत्यका के ज्यादातर दुकान सब में म्याद गुजरल खाद्यान्न बिक्री वितरण हो रहल मिलल बा। आजू काठमांडू महानगर पालिका से कैल गेल अनुगमन के क्रम में वार्ड नंबर 14, 15 और 16 में संचालित खाद्यान्न दुकान, गोदाम आ मार्ट सब में समय गुजरल खाद्यान्न मिलल है। अनुगमन के क्रम में दुकान सब में भाव एगो आ बिक्री दोसर का भाव में कैल गेल आ खरीद बिक्री संबंधी बिल बीचक भी ना मिलल टोली जानकारी देले बा। लकडाउन को लगत भर नहीं होगा ये बीच में भैया सामान को डेट एक्सपायर भैया कत हमें बोर्ड नज लिया नराख बिल बिल बीचक नपाइक ये कुछ हम आज मेन ये कुछ हमें इस ये किसिम का सलाह साथ साथ ही चेतावनी का कुछ दिए छोड़कर। अनुगमन टोली से दुकान संचालक के 1 हफ्ता भीतर कार्यालय में हाजिर होके खातिर पुर्जी काटल गेल बा। पर्वत के फलेबांस नगर पालिका मुड़ी कुआं स्थित सिरसुआ में भूस्खलन से घर दबैला से बालिका के मृत्यु भेल बा। भूस्खलन से दबाइल अवस्था में स्थानीय नवीन बिकक के 3 बरिस के लड़की निकिता बिकक के शव मिलल हा। मृतक लड़की के शव आज सवेरे निकालल गेल बा। भूस्खलन में पड़के नवीन बिका के पत्नी लक्ष्मी बिका सहित अन्य 2 जने घायल भेल। फलेबास नगर पालिका वार्ड नंबर 4 के वार्ड अध्यक्ष टीकाराम गौड़ेल जानकारी देले बानी। भूस्खलन से दहवा के बांस के झारी में पुगल अवस्था में 3 जने के बचावल गेल बा। घर दबैला बाद घायल भेल सबके स्थानीय बासी उद्धार कैले रहे। रात भर पड़ल भारी बरखा के कारण वार्ड कार्यालय लगे के घर सब भी जोखिम में रहल अध्यक्ष गौड़ेल जानकारी दिले बानी। दैनिक मजदूरी में परिवार पाले वाला 12 विश्रामपुर के मजदूर सब इबेरिया समस्या में पड़ल बाटे लोग। 12 अपरसा के मेन बाजार में रिक्शा ठेला चलावे वाला मजदूर सबके चूल्हा बारेला भी समस्या हो रहल बा। कोरोना जोखिम के कारण आवत जावत में समस्या भइला के बाद 12 में दैनिक जाला मजदूरी करके खाए वाला वर्ग समस्या में पड़ल बा। चूल्ही बारेला समस्या भइला पर भी स्थानीय सरकार से कौनो राहत ना मिलल मजदूर के शिकायत बा। परिवार चलावला खर्च और खाद्यान्न उड़ाए लगला के बाद मजदूर के बिचली होके के खतरा बढ़ल बा। गाँव के प्राय सुकुम्बासी के हालत ऐसन के बा। विश्रामपुर गाँव पालिका के 25 घर धूरी के चूल्ही नहीं खे बढ़ल। 3 महीना दिन धौगनी राशन बैठला पर 3 महीना दिन
सीडीओ से कहवनी वो सर लोग से कहवनी ये सुबह सर से कहवनी तब कहते धरते तब एक बोला राशन दिलक हमें सर कहनी हम ये बात हम कहले बानी कि जे हमर बेटा अलग बा हम अलग बा तो हमरो के देवे के पड़ल बेटो के देवे के पड़ल नु ये बेरा खानी कोई के घर में चार चार बोरा देता रहा पाँच पाँच बोरा देता रहा हमारा घर में तू एक ही बोरा देता रहा तू कैसा ना वास्ता बा खाए कभी धाई ने घर में दवा स्वीकार करे ना गर्जियन का कोई सर्विस नो कर थोड़े बा आ काम धाम ना चल रहे ने के ने तोर तक आई ने सब चीज में ऊपर बोले जाए दू बना हमनी के खाए के नहीं खे रह हमनी के कमा तनी सन त खा तनी सन नहीं से कमा त घर में बैठल बन सन भूखले रह तनी सन कोई हमनी के पूछत नहीं के जे खइले सन कि ना खइले सन हमनी के घर में नौ गो खनियार बा लइका बड़ा सन सब ज्ञान बा एक दिन उपवास रह तनी सन त एक दिन कोई से मांग के खा तनी सन ना कोई पूछल जे खइले सन कि ना पूछल इने गांव पालिका में कर्मचारी के अभाव रहल कहत अध्यक्ष अमीरीलाल राउत राहत बाने के स्थिति ना रहल बतौले बड़न गांव पालिका भर करीब 425 जने सुकुम्बासी परिवार रहल राउत के कहनाम बा लगभग हाम्रो 20 टोलाको 21 टोलाको गाउँपालिका टोलाको वार्ड हो त्यो पनि गाउँपालिका हो अब सबै अब हर वार्डमा हर टोलमा तपाईँको यस बेलामा दसजना बिसजनाले एकदम विपन्न परिवार गरिब छ तब त पनि हामी सोचेर पनि अहिले दिन सकिने छैन अब यही कर्मचारीको अभावले अत्कृत नभएको कारणले यही समस्या छ दैनिक मजदूरी करके परिवार पालते आइल सुकुम्बासी सबके गाउँपालिका राहत दी की आशा बाटे लेकिन ऊ भी अध्यक्ष के अभिव्यक्ति के बाद निराशा में बदलल बाटे लॉकडाउन के अवधि में विपन्न परिवार के कहत प्रदेश सरकार से देहल 15 लाख रुपया के कार्यविधि बना के प्रत्येक पालिका के देहला पर भी मजदूर के समस्या उसन के बा 12 से अनिल तिवारी की रिपोर्ट भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार नेपाल सरकार द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद उपचार विधि के प्रोत्साहन करे के नीति लेहल मुताबिक प्रदेश आस्थानीयता से काम हो रहल बा लेकिन प्रत्येक बरस आपन नीति तथा कार्यक्रम में समावेश कैला पर भी उल्लेख्य प्रगति हासिल नहीं हो सकल नवलपुर के सदरमुकाम कावासोती में रहल नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय आयुर्वेद विभाग जिला आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत के कावासोती आयुर्वेद औषधालय उपयोग में लियावल 5 कट्ठा 12 धूर जमीन मध्य 2 कट्ठा 6 धूर क्षेत्रफल वार्ड कार्यालय के देके भवन निर्माण हो रहल बा आयुर्वेद प्राकृतिक तथा योग चिकित्सा के प्रवर्धन करे परे में स्वास्थ्य जैसन संवेदनशील क्षेत्र के नजरअंदाज करके स्वास्थ्य केंद्र भीतर वार्ड कार्यालय बनावल उचित न भइल स्थानीय के कहनाम बा प्राकृतिक तथा योग चिकित्सालाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने संरक्षण गर्नुपर्ने विकास गर्नुपर्ने स्थानमा आयुर्वेद केन्द्रभित्रै यसरी चाहिँ जग्गालाई अधिग्रहण गरेर नगरपालिकाले वडा कार्यालय बनाउनु आफैमा दुःखद छ वास्तवमा यहाँ खुला योग केन्द्रहरू साधनाहरू हलहरू बन्नुपर्ने थियो र यो परिसरमा जडीबुटी रोपिनुपर्ने थियो यहाँ चाहिँ जडीबुटी भएका जडीबुटी मासेर चाहिँ यसरी भवन बनाउनु राम्रो होइन स्थानीय और आयुर्वेद संबंधित निकाय के सहमति में मिले वाला स्थान भैला से भवन निर्माण हो रहा वार्ड कार्यालय जनाउले बा वडावासी र औषधालय बीच सहमति भएर नै यो औषधालय को दक्षिणपट्टि को भाग में 2 कट्ठा 6 धूर जगह में वडा कार्यालय भवन निर्माण करने निर्णय भएको र आयुर्वेद प्रवर्धन गर्नको लागि वडाले 3 लाख रुपया बजेट आयुर्वेद जडीबुटीको लागि छुटाएको छ कावासोती नगरपालिका के उपप्रमुख प्रेमशंकर मर्दनिया थारू भी आयुर्वेद औषधालय के प्रवर्धन करे के बताउले बानी र औषधि खरिद गर्ने काम निरन्तर भइरहेको छ र त्यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ जुन कि त्यसलाई व्यवस्थापनको लागि हामी निरन्तर नगरपालिका स्थानीय सरकारबाट त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले धेरै कुराहरू धेरै योजनाहरू अगाडि बढाउने हामी सोचमा छौँ र त्यसै क्षेत्रभित्र तपाईँको वडा नम्बर 8 को वडा कार्यालय पनि निर्माण हुँदैछ र हामीले केही जमिनहरू त्यहाँ चाहिँ छुट्याएका छौँ वडा कार्यालयको लागि 2 कट्ठा 6 धूर चाहिँ व्यवस्थापन भएको छ भने त्यसै गरी अब 3 कट्ठा 5 धूर समथिङ 6 धूर समथिङ तपाईँको आयुर्वेदिक अस्पताललाई चाहिँ राखिएको छ आयुर्वेद केन्द्र परिसरमै योग ध्यान केन्द्र जडीबुटी रोपन करे परेकै भइला पर भी वार्ड कार्यालय निर्माण करके आयुर्वेद केन्द्र ही विस्थापित होकेकै अवस्था आइलासे स्थानीय सब शिकायत कैले बा नवलपुर से खगेन्द्र पराजुली की रिपोर्ट
कोरोना के जोखिम से अस्त व्यस्त भइल अर्थतंत्र के पुनरुत्थान करे खातिर कृषि ही उत्तम विकल्प हो कि प्रदेश नंबर एक के सामाजिक विकास राज्य मंत्री जसमाया गजमेर बताउले बानी है। मुरंग के बेलबारी में संचालित बुरोबाद बंगुर फार्म के अवलोकन करत गजमेर कृषि पेशा में आगे बढ़े के बताउले बानी। पिछला 7 महीना से कोरोना के महामारी से प्रभावित बनल अन्य पेशा सब उठी ना सके वाला अवस्था में रहल उनकर कहना बाटे। जसले सुन व्यवसाय गरेर बस्नु भएको थियो उहाँहरूको व्यवसाय साह्रै ठुलो धराशायी बन्दैछ। त्यसो हुँदा हाम्रा व्यवसायहरू दिनानुदिन धराशायी बनेर जाने अवस्था भएको कुरालाई मध्यनजर राखेर पनि हामीले दीर्घकालीन रूपमा काहीँ केहीले नछुने खालको चाहिँ यो खालका कृषि व्यवसायहरू गर्नेहरूलाई प्रेरणा दिनुपर्छ, प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारी से लौटल युवा सब के स्वदेश में ही रोजगारी देवे के उद्देश्य से लागू कल गेल सहूलियत ब्याज दर के कर्जा और अनुदान के सदुपयोग करेला राज्य मंत्री गजमेर के आग्रह बा। युवाहरू जसले आफ्नो देशमै केही गर्न चाहने युवाहरू त्यसमा पनि कृषि व्यवसाय गर्नको निम्ति कतिपय चाहिँ अब सहकारीहरूलाई अनुदानको रूपमा दिने, कतिपय ठाउँहरूमा बिना ब्याजमा लोन उपलब्ध गराउने त्यो खालको योजना ल्याएको छ र त्यस अनुसारको बजेट पनि राखेको छ। चार वर्ष वैदेशिक रोजगारी में रहके स्वदेश लौटल धरान उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 17 के ललित गजमेर आ मंजिल लिंबू 16 लाख रुपया लगानी में 2 वर्ष से मुरंग के बेलबारी स्थित बुरोबाद में बंगुर फार्म संचालन कर रहल बाड़न। दलित तथा विपन्न मुस्लिम समुदाय के लक्षित करत सरकार द्वारा 2066-67 साल में सिरहा सप्तरी आ कपिल वस्तु से शुरू कल गेल जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी बनते जा रहल बा। सरकार द्वारा करोड़ों लगानी में करीब 1200 घर बना दिला बाद कपिल वस्तु के स्थानीय हर्षित बनल बाड़न सन। पहले संघीय सरकार से संचालित जनता आवास कार्यक्रम हाल प्रदेश सरकार मार्फत संचालित बाटे जेमे भूकंप रहित 2 कोठरी जस्ता के छानी भेल घर सहित शौचालय रही। मेरो नाम सावित्री गन्धर्व हो। पहिले हामीले साह्रै नै दुःख पाथ्यौँ, अहिले सरकारले पक्की घर बनिदियो, हामीलाई एकदम खुसी छ, राम्रो छ हामीलाई। अब पहिला त छानाको घर थियो, अब आगो लाग्छ भन्ने अब डर थियो थियो, अहिले त केही डर छैन, सरकारले दिनुभयो, राम्रै बनिदिनु भएको छ, ठिकै छ। अब अब यति भयो त अब बस्न सकिन्छ, पानीको लागि पनि समस्या भएन, आगोको लागि पनि समस्या भएन, हामीलाई सबै कुरो राम्रो भयो, अब यति भए बसिन्छ। कपिल वस्तुमें चालू आर्थिक वर्ष में एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र में 28 को भवन करके 6 को निर्वाचन क्षेत्र में 168 घर निर्माण होके के जनता आवास कार्यक्रम के फील्ड सुपरवाइजर जनार्दन पराजुली जानकारी दिलवानी। बाकी प्रहरी द्वारा दुर्लभ वन्यजन्तु रेड पांडा के छाला सहित 5 जने के नियंत्रण में लिहल गेल बा। बांके के बैजनाथ गांवपालिका वार्ड नंबर 1 में रहल डेनियल रेस्टोरेंट में मोलमोलाई हो रहल सूचना के आधार में प्रहरी से तस्कर के पकड़ल गेल हा। प्रहरी के प्रारंभिक अनुसंधान मुताबिक छाला जाजरकोट से लियावल गेल हा। प्रहरी द्वारा छाला सहित जाजरकोट कुसी गांवपालिका के 32 बरिस के कृष्ण मौली, उहेठाव के 28 बरिस के इंद्र बहादुर नेपाली, सुर्खेत भेरीगंगा के 30 बरिस के जय बहादुर कामी, 25 बरिस के गणेश बिकट, 36 बरिस के देव बहादुर बांठा के पकड़ल गेल हा। रे सापकोटा को समेत को विशेष टोली ने गगन थारू संचालन गरेको डेनियल रेस्टुरेंट तलाशी लिंदा उक्त रेस्टुरेंट को कोठा में रहकर देवबहादुर बाठा, गणेश बहादुर बिक, जय बहादुर बिक, कृष्ण बहादुर ओली लाई चेकजाँच करने क्रम में निजको बसेको खाट को खाट मुनि लुकाइरहेको अवस्था में नंग्रा दाँत सहित को रेड पांडा को छाला एक थान र मोबाइल चाहिँ बरामद भएको छ। पकड़ाइल तस्कर के निकुंज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 के दफा 26 के क बमोजिम 10 लाख तक जरिवाना आ 5 से 10 बरस तक कैद या दुनु हो सके के प्रावधान बाटे। अब आर्थिक समाचार। कोरोना महामारी के बीच विश्व बैंक से नेपाल के 1 अरब 27 करोड़ रुपया अनुदान सहयोग कल गेल बा।
नेपालमै सिकाई के स्तर सुधारेला आ उत्थानशील शिक्षा क्षेत्र निर्माण खातिर बैंक से सहयोग कैल गेल जनावल गेल ह। अनुदान सहयोग में अर्थ मंत्रालय के सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल आ बैंक के तरफ से मालदीव्स नेपाल आ श्रीलंका खातिर बैंक के निर्देशक फारिस हदाद जरवुस हस्ताक्षर कैले बानी। कोरोना के कारण लैका लैकी के सिखाई में भेल क्षतिपूर्ति खातिर सहयोग से मदद पुगे के आशा कैल गेल बा। अनुदान रकम से दूर शिक्षा के कार्यक्रम सब टेलीविजन रेडियो सिखाई पोर्टल अन्य संचार माध्यम में पहुंच ना होखे वाला लैका लैकी खातिर मुद्रण होखे वाला सिखाई के सामग्री सब होखे के अर्थ मंत्रालय जानकारी दिले बा। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना वायरस नियंत्रण खातिर इजरायल सरकार कड़ा प्रतिबंध सहित फेरु लकडाउन करे के घोषणा कैले बा। अभी वाला शुक्रवार से शुरू होखे वाला दोसर का लकडाउन कमती में 3 हफ्ता तक कायम रहे के जनावल गेल बा। इजरायल में रोजाना 4,000 तक नए संक्रमित थपा रहल बा। उहां के एक मंत्री यहूदी तीज त्यौहार सब से लकडाउन बढ़े वाला भैला से सरकार के निर्णय प्रति विरोध जनावते पद से राजीनामा देले बाड़न। कट्टर यहूदी पार्टी के नेतृत्व करे वाला आवास मामला मंत्री याकूब लीसमैन लॉकडाउन संबंधी नियम के कारण लोक से यहूदी पात्रों में पड़े वाला सबसे पवित्र दिन योम कीपुर सहित के तीज त्यौहार सब मनावे से वंचित होके पड़े के भी बतौले बाड़न। वहां के वर्तमान गठबंधन सरकार से अलग होके के भी चेतावनी देले बाड़न। इजरायल में हाल तक कोरोना वायरस से 1,108 जने के मृत्यु हो चुकल बा तो 153,000 से बेसी संक्रमित भेल संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय जनौले बा। आप खेलकूद समाचार। लेस्टर सिटी शानदार जीत सहित इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के नया सीजन शुरू कैले बा। लीग अंतर्गत कालहुरात भइल पहिलका खेल में लेस्टर सिटी वेस्ट ब्रमलाई के 3-0 से हरौलक। अभी मैदान में भइल खेल में लेस्टर खातिर जेमी वर्डी पेनाल्टी मार्फत 2 गोल कैलन। उहिले खा तिमोथी कास्ताग्ने 1 गोल कैलन। पहिलका हाफ में दोनों तरफ से गोल होके ना सकल खेल में तिमोथी 56वां मिनट में गोल करके लेस्टर सिटी के शुरुआती अग्रता दिलौले रहलन। 74वां मिनट में मिलल पेनाल्टी में वर्डी गोल करके अग्रता के दुब्बर कैलन। ओकरा बाद 10 मिनट के बाद मिलल पेनाल्टी में वर्डी फिर गोल करके लेस्टर सिटी के 3-0 के जीत दिलौलन। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। उमनी समूह पड़ल सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय के करिया सूची में 1 बरस तक सार्वजनिक निकाय के खरीद में भाग लेवे के नाम दी। 12 के मजदूर के स्थानीय तौर से राहत ना दिला बाद खाए की समस्या भूख आरोग से बिचली होके के खतरा। विश्व बैंक द्वारा नेपाल के 1,27,00,00,000 रुपया अनुदान सहयोग सिखाई के स्तर सुधारा शिक्षा क्षेत्र में खर्चा मुखी। कोरोना वायरस नियंत्रण खातिर इजरायल सरकार द्वारा फिर लॉकडाउन की घोषणा। शुक्रवार से जारी होने वाला लॉकडाउन 3 हफ्ता तक रही। आ इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में लेस्टर सिटी विजयी वेस्ट ब्रमलाई 3-0 गुणांतर से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब ट्विटर फेसबुक और हमने के वेबसाइट jantasamachar.com में भी पढ़ आ देख सकतानी। सूचना में अपने के सहभागिता समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।